गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हियर वी स्टार्ट अवर न्यू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 8. द टाइटल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धतूरा लीफ. मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द धतूरा लीफ. ओके, हियर गिवन द प्रायोर कंसेप्ट लाइक सेक्शन कटिंग, हाउ टू कट द सेक्शन, हाउ टू स्टेन द स्लाइड और टीएस, हाउ टू माउंटिंग एंड ऑब्जर्विंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द क्रू ड्रग. ओके, ये सब हमने लास्ट जो प्रैक्टिकल्स लिए उसमें सब कुछ पढ़ा है. फिर भी हम इस एक्सपेरिमेंट पे वो सब करने वाले हैं, फिर से पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में हमें क्या करना है? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द धतूरा लीफ हमें पढ़ने हैं कि अगर हमने धतूरा लीफ लिया, ये अगर क्रू ड्रग है, तो इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. जैसे हम लीफ को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हैं. ओके, देन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, कैसे वो अलग, जो बहुत सारे अगर लीव्स दिए हुए हैं तो उसमें से हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सॉरी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. विजुअली अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो हुए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, लाइक कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसी है, या फिर उसका साइज़ कितना है, साइज़ एंड शेप कैसा है. इसके बेसिस पर अगर हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ द प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स क्या है धतूरा लीफ के, ये हमें पढ़ना है. अगर हम धतूरा लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिखाई देंगे, कौन कौन से सेल्स दिखाई देंगे, ट्राइकोम्स है, स्ट्रोमेटा है, वैस्कुलर बंडल्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है या नहीं है, ये सब हमें पढ़ना है. माइक्रोस्कोपी अगर हम उसकी पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, या फिर अगर हम टीएस को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें क्या दिखाई देगा. ओके, देन नेक्स्ट आता है एडल्ट्रंट्स. ओके, उसमें कौन सी मिलावट है या नहीं है. अगर हमें बहुत सारे लीव्स दिए जाते हैं और उसमें से अगर हमें कुछ लीव्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे धतूरा लीफ कौन से है अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर धतूरा जैसे ही सिमिलर दिखने वाले लीव्स अगर उसमें मिलाए गए हैं तो वो क्या हुआ, उसका अडल्ट्रेशन हुआ. ओके, तो कौन कौन से ड्रग ऐसे हैं जो इसमें अडल्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है. ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट विच हैव बीन स्टडी इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 8. धतूरा लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लेने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस है, फिर केमिकल्स है, फिर ड्रग रिक्वायर्ड है. ओके, तो फर्स्ट आता है एपरेटस, कौन कौन से एपरेटस लगने वाले हैं तो हमें पता ही है, फिर भी हम देख लेते हैं. माइक्रोस्कोप हमें लगने वाला है, वॉच ग्लासेस, देन कैमल हेयर ब्रश, ग्लास लाइट्स, कवरिंग स्लिप्स, बीकर, ड्रॉपर, फिल्टर पेपर, फोरसेप्स, टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, डिसेक्टिंग नीडल, शार्प रेजर एक्सेट्रा. दीज आर द एपरेटस विच हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. और कौन से केमिकल्स हमें लगने वाले हैं, तो केमिकल्स हैं फ्लोरोब्लुसिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड SCL एंड ग्लिसरीन. ओके, दीज आर द केमिकल्स विच रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 8 और द TS ऑफ द धतूरा लीफ. ओके, ड्रग कौन सा लगने वाला है, तो ऑलवेज अगर हम धतूरा लीफ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर धतूरा लीफ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, धतूरा लीफ का TS हमें लेना है तो उसके लिए हमें धतूरा लीफ्स लगेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट था हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द धतूरा लीफ. ओके, धतूरा लीफ की मॉर्फोलॉजी क्या है. ओके, तो धतूरा लीफ है तो लीफ की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, ग्रीन इन कलर. ओके, ग्रीन कलर है या फिर पेल ग्रीन कलर है, देन अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट,
अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट. टेस्ट कैसी है? अनप्लीजेंट है और बिटर है. ओके, ऑर्डर कैसा है? तो डिसएग्रीएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक. डिसएग्रीएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, हमें हम उसको इजीली नहीं ले सकते ऐसा, और कुछ अलग स्मेल उसका है. ओके, डिसएग्रीएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक. ओके, नाउ हम देखने वाले हैं अभी स्टेप वाइज प्रोसीजर या फिर इस ड्रग का या फिर धतूरा लीफ का हमें अभी स्कीम देखना है, स्कीम ऑफ द धतूरा लीफ. ओके, जैसे हमने पहले भी देखा है. तो स्कीम क्या होता है? तो बायोडाटा, इन शॉर्ट बायोडाटा होता है. जैसे ड्रग में ड्रग के कौन से सिनोनिम है, जो ड्रग हम एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं उसके सिनोनिम्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, उसके लिए हम कौन से स्ट्रेनिंग के टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है और कौन से वैस्कुलर बंडल्स या फिर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब हमें पढ़ना है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आता है सिनोनिम्स. ओके, धतूरा लीफ जो है, अगर धतूरा लीफ से या फिर धतूरा मेटल करके अगर रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जैसे मराठी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में, संस्कृत में या फिर अदर कौन सी भी लैंग्वेज हो, तो उसमें कौन सा नेम उसका है, जो भी नेम उसका होगा वो क्या होगा? उसका सिनोनिम होगा. ओके, तो सिनोनिम्स क्या है? तो मराठी में उसको बोलते हैं धोतरा. ओके, मराठी में क्या बोलते हैं? धोतरा. इन हिंदी कॉल्ड धतूरा. इन संस्कृत कॉल्ड दुस्तुरा पताई. दुस्तुरा पताई. ओके, मराठी में बोलते हैं धोतरा, हिंदी में बोलते हैं धतुरा एंड इन संस्कृत दुस्तुरा पताई. ओके, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द धतुरा लीफ और धतुरा प्लांट. ओके, नाउ बायोलॉजिकल सोर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं. क्या है इसका बायोलॉजिकल सोर्स या फिर कौन से प्लांट से ही हमें मिलता है, कौन से फैमिली के प्लांट से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स इज इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ सॉरी इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग स्टॉक्स ऑफ धतूरा मेटल एंड धतूरा मेटल वॉर फेस्टिसा. ओके, कहाँ से मिल सकते हैं हमें धतूरा लीव्स? तो धतूरा मेटल या फिर धतूरा मेटल वॉर फेस्टुसा से मिल सकते हैं. और हम इसके कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं? तो धतूरा के लीव्स यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लावरिंग टॉप्स. ओके, धतूरा के जो लीव्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, वो हम पढ़ने ही वाले हैं. और नेक्स्ट पॉइंट आता है तो धतूरा फ्लावर स्टॉप्स. ओके, तो इसके अगर फ्लावरिंग टॉप्स भी हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको थेरापेटिकल एक्टिविटी है. ओके, नाउ सैफ्रॉन बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलानेसी. ओके, कौन से फैमिली का ड्रग है? तो सोलानेसी फैमिली का एक ड्रग है. इट कंटेन्स नॉट लेस दैन 0.20% ऑफ द टोटल अल्कलॉइड्स कैलकुलेटेड एज हायोसामाइन. ओके, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कितने परसेंटेज में है? तो इट कंटेन्स नॉट लेस दैन 0.20%. ओके, 0.20% से ज़्यादा इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है. और कौन से अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है? तो हायोसामाइन. ओके, हायोसामाइन अल्कलॉइड्स जो है वो धतूरा लीफ में 0.20% से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके, नाउ क्या देखा हमने बायोलॉजिकल सोर्स में? तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ धतूरा मेटल एंड धतूरा मेटल वार फिस्टुसा बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी. और इट कंटेन्स नॉट लेस देन 0.20% ऑफ द अल्कलॉइड्स. कौन सा अल्कलॉइड है? तो हायोसामाइन. ओके, दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर द धतूरा लीफ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमने पहले भी देखा, मॉर्फोलॉजी. अगर हमें कोई लीफ दिया जाता है तो वो धतूरा लीफ है या नहीं है ये देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ द धतूरा लीफ. इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कलर. ओके, तो धतूरा लीफ जो होते हैं उसका कलर होता है पेल ग्रीन.
के धतुरा लीव्स आर पेल ग्रीन इन कलर देन ऑर्डर डिसएग्रीएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर डिसएग्रीएबल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देन टेस्ट कैसा होता है तो टेस्ट अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट ओके अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट ओके नाउ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या अलग बात या फिर कौन से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं या फिर कौन से अलग फीचर्स इसमें हैं कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें हैं तो टेक्चर ओके टेक्चर कैसा है प्लांट का या फिर जो लीव्स होते हैं उसका टेक्चर कैसा है तो थीन एंड माइन्यूटली हेयरी ओके बहुत थीन होते हैं इसके लीव्स बहुत ही पतले होते हैं और माइन्यूट हेयरिंग मीन्स इसमें हेयर्स हो सकते हैं इसके ऊपर क्या हो सकते हैं ट्राइकॉम्स होते हैं छोटे छोटे या फिर हेयर्स हेयरी स्ट्रक्चर इनका होता है हेयरी टेक्चर इनका होता है ओके देन अपर एपिडर्मिस डार्कन देन लोअर एपिडर्मिस ओके जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ज़्यादा डार्क होता है इन कलर एंड जो नीचे का पोर्शन होता है या फिर जो बैक साइड का पोर्शन होता है लीफ का वो फेंट इन कलर होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा फेंट होता है एज कम्पेयर टू द अपर एपिडर्मिस ओके समझ में आ रहा है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस मीन ऊपर का पोर्शन प्लांट का जो लीफ है लीफ के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होता है हेयरी होता है थीन होता है बहुत और उस पर ट्राइकोम्स होते हैं इसलिए हम उसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हेयरी होता है और डार्क ग्रीन कलर होता है जैसे हमने बोला कि पेल ग्रीन कलर होगा लेकिन डार्क होगा और जो नीचे की साइड होगी ऑपोजिट साइड जो होगी उसका कलर कैसा होगा तो थोड़ा फेंट होगा ओके अपर एपिडर्मिस इज डार्कर देन लोअर एपिडर्मिस ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मिडरिब ओके जो मिड वेन होती है मिडरिब जो होती है वो प्रोमिनेंट ऑन लोअर सरफेस ओके अपर सरफेस जो है वहाँ से हमें मिडरिब इतनी दिखाई नहीं देती लेकिन लोअर सरफेस जो है वहाँ पे मिडरिब प्रोमिनेंट दिखाई देती है बहुत एग्जैक्ट दिखाई देती है ओके लोअर सरफेस प्रोमिनेंट ऑन लोअर सरफेस ओके दिस इज द मैक्रोस्कोपी और हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द धतुरा लीफ ओके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखे हमने माइक्रोस्कोपी में या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर ऑर्डर टेस्ट एंड एक्स्ट्रा फीचर्स ओके नाउ माइक्रोस्कोपी ऑफ दिस धतुरा लीफ ओके तो फर्स्ट पॉइंट इज लैमिना लैमिना इज डॉर्सिवेंट्रल इन नेचर लैमिना इज डॉर्सिवेंट्रल इन नेचर देन सेकेंड पॉइंट आता है डॉर्सिवेंट्रल मीन्स जो बीच का पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम लैमिना उसको क्या बोलेंगे हम लैमिना और डॉर्सिवेंट्रल क्यों बोल रहे हैं हम उसको क्योंकि वो डोम शेप का है ओके इसलिए हमने बोला उसको डॉर्सिवेंट्रल लैमिना ओके देन सेकेंड पॉइंट आता है अपर एपिडर्मिस सेकेंड पॉइंट है अपर एपिडर्मिस ऊपर का पोर्शन प्लांट का जो लीफ है उसके ऊपर का पोर्शन जो डार्क होता है थोड़ा उसको बोलेंगे हम अपर एपिडर्मिस ओके तो अपर एपिडर्मिस जो है उसके सेल्स कैसे होते हैं तो स्ट्रेट वॉल अपर एपिडर्मिस कैसा होता है स्ट्रेट वॉल 600 to 1100 cells पर स्क्वायर mm ओके एक mm स्क्वायर का अगर हम पार्ट लेते हैं पोर्शन लेते हैं लीफ का तो उसमें हमें कितने सेल्स दिखाई देंगे या फिर कितने सेल्स मिल सकते हैं तो 600 to 1100 सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 square mm एरिया ओके ऑफ द प्लांट लीफ देन सिंगल लेयर ये जो अपर एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर होती है और रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं रेक्टेंगुलर आयताकृति ओके रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ओके अपर एपिडर्मिस में हमने क्या देखा तो अपर एपिडर्मिस इज अ स्ट्रेट वॉल सेल्स इन 1 square mm एरिया एक mm स्क्वायर का हम एरिया लेते हैं तो उसमें 600 टू 1100 सेल्स आर प्रेजेंट देन सिंगल लेयर सेल्स ओके
सिंगल लेयर होती है अपर एपिडर्मिस की, देन रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, ओके जो सेल्स है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट आता है उसमें ट्राइकोम्स, ओके सेकंड पॉइंट इज ट्राइकोम्स। कौन से ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, लीफ है, लीफ में स्टोमेटा और ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ट्राइकोम्स और स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमने देखा कि ये जो लीफ होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर के होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर है मीन्स इसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, ओके। तो ट्राइकोम्स कौन से हैं, कवरिंग यूनिसेरिएट मल्टी सेलुलर वैक्सी एंड ब्लंट टिप ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, ओके। कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो यूनिसेरिएट हो सकते हैं, ओके एक जैसे सेल्स उसके होंगे यूनिसेरिएट। देन मल्टी सेलुलर, ओके एक से ज़्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ऐसे मल्टी सेलुलर, डाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर या फिर टेट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दो सेल्स के हो सकते हैं, थ्री सेल्स के हो सकते हैं, देन फोर सेल्स के हो सकते हैं, ओके मल्टी सेलुलर है, ओके एक से ज़्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट है। देन वैक्सी, जो ट्राइकोम्स है वो कैसे है, वैक्सी है एंड ब्लंट टिप, टिप जो है उसका वो थोड़ा सा ब्लंट है, ओके। देन सेकेंड कौन से ट्राइकोम्स है इसमें, तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ओके फर्स्ट देखिए हमने कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट है जो मल्टी सेलुलर है, और जो दूसरे टाइप के जो ट्राइकोम्स है वो है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ओके इसमें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट है। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कैसे हैं, स्टॉक यूनिसेलुलर एंड हेड 2 to 4 सेल्स, ओके स्टॉक जो होता है जहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं लीफ को, वो जो स्टॉक है वो यूनिसेलुलर है, उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, लेकिन जो उसके जो हेड्स होते हैं, उसके जो हेड्स होते हैं उसमें कितने सेल्स हैं, तो उसमें 2 to 4 सेल्स हो सकते हैं, 2 सेल्स 3 सेल्स या फिर 4 सेल्स, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोमेटा, ओके कौन से स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट है, तो क्रूसीफेरियस या फिर अनइक्वल सेल स्टोमेटा, ओके अनइक्वल सेल स्टोमेटा या फिर क्रूसीफेरियस, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट ये देखा हमने अपर एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस है वो स्ट्रेट सेल्स हैं, देन एक स्क्वायर mm एरिया अगर हम उसका कट करते हैं तो उसमें कितने सेल्स हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकते हैं, तो 600 to 1100 सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल वॉल, ओके देन उसमें ट्राइकोम्स है, कवरिंग ट्राइकोम्स एज वेल एज ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, देन स्टोमेटा प्रेजेंट है अनइक्वल सेल स्टोमेटा, ओके। देन थर्ड पॉइंट आता है मेसोफिल, थर्ड पॉइंट इज मेसोफिल, ओके तो मेसोफिल में क्या है, पैलिसेड सेल्स, ओके मेसोफिल में क्या है, पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल लेयर कॉम्पैक्ट सेल्स रेडियली इलोंगेटेड एंड कवर 2 to 2/5 ऑफ द लैमिला, ओके तो मेसोफिल्स जो होते हैं उसमें पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, और पैलिसेड सेल्स जो है वो सिंगल लेयर सेल्स है, इसके भी एक ही लेयर है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो अपर एपिडर्मिस के नीचे जो लैमिला प्रेजेंट है, तो लैमिला के सिंगल लेयर सेल्स हैं, कॉम्पैक्ट सेल्स एंड रेडियली इलोंगेटेड, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोकेशन क्या है इसका और कितने लेयर्स प्रेजेंट है इसमें, तो 6 to 8 लेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं, ओके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज एंड इंट्रा सेलुलर स्पेस क्लस्टर क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा 6 to 8 लेयर सेल्स का होता है और वो लूजली अरेंज होता है, इसलिए हमने उसको बोला स्पॉन्जी, ओके। देन नेक्स्ट होता है कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो लूज है और इंट्रा सेलुलर स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और जो इंट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रोस्पेरोडल क्रिस्टल्स, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स या फिर जो फाउंड इन द अपर लेयर, ओके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा 6 to 8 लेयर्स का होता है, लूजली अरेंज सेल्स होते हैं और उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं अपर लेयर में, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ये हुआ मेसोफिल, मेसोफिल में पैरासाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मिडरिब, ओके
मिड्रिप में इपिडर्मिस और कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मिड्रिप में क्या प्रेजेंट होता है? इपिडर्मिस एंड कोलेनकाइमा। ओके, मिड्रिप जो है उसमें इपिडर्मल लेयर आर कंटिन्यूअस। ओके, मिड्रिप का जो इपिडर्मिस का जो लेयर होता है, अपर इपिडर्मिस या फिर लोअर इपिडर्मिस, तो इपिडर्मल लेयर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ओके, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, वो कंटिन्यूअस सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज लोकेटेड बिलो और अपर एंड अबो लोअर ऑफ इपिडर्मिस। ओके, बिलो अपर एंड अबो लोअर ऑफ इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के ऊपर भी, नीचे भी और अपर लेयर ऑफ द इपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ओके, इपिडर्मिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड में कोलेनकाइमाटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हुआ मिड्रिप। मिड्रिप में कौन से पॉइंट्स देखे हमने? मिड्रिप में इपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, इपिडर्मिस जो है इपिडर्मल लेयर्स आर कंटिन्यूअस, इपिडर्मिस के जो इपिडर्मल लेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस सेल्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट है? तो जो लोअर इपिडर्मिस है उसके ऊपर और जो अपर इपिडर्मिस है उसके नीचे कोलेनकाइमाटस सेल्स का लेयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, वैस्कुलर बंडल्स। ओके, वैस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो बंडल्स के फॉर्म में नहीं, तो झाइलेम और फ्लोएम के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, झाइलेम और फ्लोएम के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो झाइलेम्स जो होते हैं वो लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। ओके, वैस्कुलर बंडल्स के लिग्निफाइड सेल्स, और फ्लोएम्स जो होते हैं वो नॉन लिग्निफाइड होते हैं। ओके, झाइलेम्स में लिग्निन कंटेंट ज़्यादा है और फ्लोएम्स जो है वो नॉन लिग्निफाइड सेल्स है। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है इसका? तो जो मिड्रिप होती है, मिड्रिप का जो अंदर का पोर्शन होता है, इनर लेयर ऑफ द मिड्रिप, वहाँ पे झाइलेम्स और फ्लोएम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलेनकाइमाटस सेल्स। ओके, कोलेनकाइमाटस सेल्स। ओके, तो कोलेनकाइमाटस सेल्स क्या है? तो थीक वॉल सेलुलोसिक सेल्स। ओके, थीक वॉल सेलुलोसिक सेल्स। ओके, कोलेनकाइमाटस सेल्स पूरे टीएस में या फिर पूरे पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे है? तो थीक वॉल है उनका। वॉल कैसा होता है? थीक होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स के लेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोसिक होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लोअर इपिडर्मिस। ओके, लोअर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस जो है वो सिमिलर टू अपर इपिडर्मिस। ओके, लोअर इपिडर्मिस एंड अपर इपिडर्मिस सिमिलर अरेंजमेंट है, सिंगल सेल्स होते हैं, सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हैं, एज वेल एज रेक्टेंगुलर सेल्स है। ओके, स्ट्रेट वॉल रेक्टेंगुलर सेल्स। ओके, एंड लोअर इपिडर्मिस जो है उसमें जो अपर इपिडर्मिस जैसे ही सिमिलर अरेंजमेंट उसमें सेल्स की हैं, एज वेल एज उसमें भी स्ट्रोमेटा और स्ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपर इपिडर्मिस में थे ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स एंड कवरिंग ट्राइकोम्स, वैसे ही लोअर इपिडर्मिस में भी ग्रैंडुलर एज वेल एज कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स उनकी भी हैं, एज वेल एज जो क्यूटिकल है वो वेवी है। यहाँ के जो सेल वॉल्स है उसका जो क्यूटिकल है वो कैसा है? वेवी है। और इसमें अगर हम एक स्क्वायर एमएम का कोई पार्ट इसका कट करते हैं लोअर इपिडर्मिस का, तो उसमें आप हमें कितने सेल्स मिल सकते हैं? तो उसमें 700 टू 1250 सेल्स हमें उसमें मिलते हैं। ओके, मीन्स अपर इपिडर्मिस से ज़्यादा सेल्स लोअर इपिडर्मिस में एक स्क्वायर एमएम एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपर एपिडर्मिस में 600 टू 1100 सेल्स हमने देखे थे 1 square mm एरिया में, और लोअर एपिडर्मिस में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो 700 टू 1250 सेल्स 1 square mm एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, वैस्कुलर बंडल्स में झाइलेम्स जो है वो लिग्निफाइड है और फ्लोएम्स जो है वो नॉन लिग्निफाइड सेल्स है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉरी हमने जो पॉइंट अभी देखा माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी में हमने क्या क्या पढ़ा? तो माइक्रोस्कोपी में फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा लैमिला। ओके, लैमिला जो होता है डॉर्सी वेंट्रल नेचर का होता है, जो डोम लाइक शेप हमें दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम लैमिला। ओके, देन अपर एपिडर्मिस सेकेंड पॉइंट हमने देखा, अपर एपिडर्मिस में 1 square mm एरिया में 600 टू 1100 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्ट्रेट वॉल सेल्स के अरेंजमेंट होते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, देन रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, शेप कैसा है उनका? रेक्टेंगुलर। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा ट्राइकोम्स। ओके,
ट्राइकोम्स कौन से हैं? तो कवरिंग ट्राइकोम्स एज वेल एज ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट है। जो कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट है वो यूनिसेरिएट है, देन मल्टीसेलुलर है एंड वैक्सी इन नेचर है। ओके, देन स्टोमेटा सॉरी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कैसे है? तो यूनिसेलुलर है और इसका जो हेड है वो 2 to 4 सेल्स का हो सकता है, 2 cells, 3 cells या फिर 4 cells। ओके, देन स्टोमेटा, ओके स्टोमेटा कैसा है? तो स्टोमेटा क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा मेसोफिल। मेसोफिल जो है उसमें पैलेसेट सेल्स प्रेजेंट हुए एज वेल एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा मिडरिप। ओके, तो मिडरिप जो है उसमें एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स है जिसका अरेंजमेंट कंटिन्यूस लेयर में है। और जो सेकंड पॉइंट हमने देखा वो था कोलेनकाइमेटस सेल्स। कोलेनकाइमा जो है वो बिलो और अपर एपिडर्मिस, ओके अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर का जो सेल होता है, सेल की जो लेयर्स होती है उसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमेटस सेल्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट था मिडरिप। ओके, मिडल वेन ऑफ द प्लांट लीफ। ओके, तो वो उसको बोलेंगे हम मिडरिप। तो मिडरिप जो होती है उसमें 2 points आते हैं, एपिडर्मिस एंड कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यूस लेयर है और कोलेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो एंड अपर ऑफ द एपिडर्मिस। ओके, देन नेक्स्ट वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स लीफ में कहाँ प्रेजेंट है? तो लीफ में वैस्कुलर बंडल्स मिडरिप में प्रेजेंट है, इनर लेयर ऑफ द मिडरिप बोल सकते हैं हम उसको। उसमें जाइलेम्स और फ्लोएम्स प्रेजेंट है। जाइलेम्स जो है वो लिग्निफाइड है और फ्लोएम्स जो है वो नॉन लिग्निफाइड है। अगर हम फ्लोरोग्लिसिनॉल प्लस HCl से अगर इस TS को स्टेनिंग करते हैं तो उसमें जाइलेम्स जो होंगे उसमें हमें पिंक कलर शो होगा, लेकिन जो फ्लोएम्स है उसको कोई भी स्टेनिंग नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है कोलेनकाइमा। वो थीक सेलुलोसिक सेल्स का लेयर होता है, पूरे में हमें प्रेजेंट मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस जो है उसका सिमिलर सेल अरेंजमेंट है जैसे अपर एपिडर्मिस का है। 1 square mm एरिया में हमें ज़्यादा सेल्स लोअर एपिडर्मिस में मिलते हैं, लाइक 700 to 1250 सेल्स इन 1 square mm एरिया। ओके, इसमें भी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज अपर एपिडर्मिस के सेल्स के अरेंजमेंट जैसी है वैसे ही सेल्स के अरेंजमेंट इसमें भी है, लाइक सिंगल लेयर सेल्स हैं और रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अगर हम कोई क्रूड ड्रग पढ़ रहे हैं तो ड्रग हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कोई तो भी यूजेस है, कोई तो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है या फिर थेरेपिटिकल एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो प्लांट का लीफ हम पढ़ रहे हैं लाइक धतूरा लीफ, तो इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट आता है उसमें टोटल अल्कलॉइड्स। ओके, हमने पहले भी देखा कि इसमें 0.20% से ज़्यादा अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है। और कौन से अल्कोलॉइड्स हैं? हायोसामाइन। ओके, तो टोटल अल्कोलॉइड्स कितने हैं इसमें? तो 0.5% अल्कोलॉइड्स इसमें प्रेजेंट है। देन मेन अल्कोलॉइड्स कौन से हैं? तो स्कोपोलामाइन। ओके, स्कोपोलामाइन अल्कोलॉइड्स इसमें प्रेजेंट है। देन माइनर अल्कोलॉइड्स कौन से हैं? तो हायोसामाइन एंड एट्रोपिन। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देख रहे हैं, टोटल अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट 0.5%, मेन अल्कोलॉइड्स आर स्कोपोलामाइन एंड माइनर अल्कोलॉइड्स आर हायोसामाइन एंड एट्रोपिन। ओके, हायोसामाइन एंड एट्रोपिन। ओके, नाउ यूजेस ऑफ द धतूरा लीफ। यूजेस ऑफ द धतूरा लीफ कौन से यूजेस हैं इसके, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं? तो पैरासिम्पैथोलाइटिक विथ एंटीकोलिनर्जिक एंड CNS depressant, ओके? इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो दी धतूरा लीव्स आर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ओके, धतूरा लीव्स कौन से ड्रग्स हैं? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं। इसमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है। ओके, जो भी हार्ट रेट्स होते हैं तो उसको वो क्या करते हैं? तो कम करने में यूजफुल है। देन CNS डिप्रेसेंट है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसको डिप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि मैडम हम CNS सिस्टम को डिप्रेस क्यों करेंगे? अगर हमारी CNS सिस्टम ओवर एक्टिव है तो हम उस केस में CNS को डिप्रेस करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट ऑल्सो यूज्ड एज अ माइड्रेटिक एंटी स्पैजमोडिक एंड सेरेब्रल सिडेटिव. ओके माइड्रेटिक करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एंटी स्पैजमोडिक एक्शन इसमें है और सेरेब्रल सिडेटिव. हमारा जो सेरेब्रल है उसको हम सिडेट करने के लिए, उसको कूल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, एनेस्थेसाइज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके सिडेट करना मीन्स क्या बोल सकते हैं हम उसको, स्लीप करना, उसको स्लीप करना या फिर कूल करना. ओके तो सिडेट करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड इज यूज्ड इन द मोशन सिकनेस गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर. ओके तो हायोसिन जो है या फिर जो अल्कोलॉइड्स इसमें प्रेजेंट है इसको अगर हम हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में लेते हैं, जैसे दो ड्रग्स अगर हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं हायोसिन प्लस हाइड्रोब्रोमाइड, तो इसका क्या यूज़ है, तो मोशन सिकनेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं तो हमें उल्टी जैसे लगता है या फिर वोमिटिंग जैसे हमको फील होता है, ये तो क्या हुआ, मोशन सिकनेस. क्यों? क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए वो हमें वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम मोशन सिकनेस. तो मोशन सिकनेस या फिर गैस्ट्रिक और ड्यूओडेनल अल्सर्स जो होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूओडेनल अल्सर, तो अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये यूज़ किया जाता है, हायोसिन प्लस हाइड्रोब्रोमाइड. ओके हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड. ओके नाउ ये हुए इसके यूजेस, क्या क्या यूजेस हमने देखे, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक है, हार्ट रेट और पल्स रेट जो होते हैं या फिर हार्ट का जो टोन होता है, टोनिसिटी जो होती है उसको कम करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन CNS डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंटी स्पाजमोडिक है, सेरेब्रल सिडेटिव है, सिडेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर इसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं लाइक हायोसिन ब्रोमाइड, तो इसका यूज़ क्या है, तो मोशन सिकनेस या फिर गैस्ट्रिक और ड्यूओडेनल अल्सर जो है इसको ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग यूज कर सकते हैं. ओके नाउ एलाइड ड्रग्स या फिर अडल्ट्रेंट्स. ओके कौन से ऐसे एलाइड ड्रग्स हैं जो इसमें अडल्ट्रेट हो सकते हैं या फिर इसमें अडल्ट्रेशन उसका हो सकता है, तो नए पॉइंट से दो ड्रग्स हैं इसमें, धतुरा इनोक्सिया एंड धतुरा टैटुला. धतुरा इनोक्सिया एंड धतुरा टैटुला. ओके धतुरा इनोक्सिया जो है उसके भी लीफ धतुरा मेटल जैसे ही दिखाई देते हैं, और धतुरा टैटुला जो है उसके भी लीफ मीन्स मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, वो दिखने में सिमिलर दिखते हैं. धतुरा लीफ के जैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है, साइज शेप कलर वैसे ही होता है, तो हम इसको अडल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. या फिर अगर कोई ड्रग हमारे पास आए हैं जिसमें वो अडल्ट्रेशन करके यूज़ किए गए हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके मीन्स देन नेक्स्ट मार्केटेड प्रिपरेशन. ओके धतुरा लिक्विड एक्सट्रैक्ट, धतुरा लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट IP एंड टिंचर धतुरा. ओके पाउडर प्रेजेंट होती है. ओके मार्केट में अगर हम धतुरा लीफ का प्रिपरेशन देखेंगे कि मार्केट में कौन से प्रिपरेशन इसके अवेलेबल है, तो फर्स्ट है इसका धतुरा लिक्विड एक्सट्रैक्ट एंड धतुरा टिंचर, धतुरा लिक्विड एक्सट्रैक्ट एंड धतुरा टिंचर. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर. ओके हम सबको पता है कि हम स्लाइड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले तो हम TS कट करेंगे, TS कट करने के बाद में पहले तो हम जो भी सेक्शन होगा लाइक धतुरा लीफ है तो लीफ को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं. अगर हम कोई बार्क ले रहे हैं या फिर सीड ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उसको 10-15 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे. सॉफ्ट होने के बाद में हम क्या करते हैं उसका TS लेते हैं, बहुत थीन TS हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम उसका लेंगे. सेक्शन लेने के बाद उसको वॉच ग्लास में वाटर में डीप करके रखेंगे, फिर बाद में हम उसको हमारी स्लाइड पर लेके ब्रश से हम उसको हमारी स्लाइड पर लेंगे और उस पर 2-3 ड्रॉप ग्लिसरिन या फिर हमारा जो प्योरीफाइड वाटर होता है वाटर हम उसको उस पर उसके ऊपर डालेंगे TS के ऊपर, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, वेट रहना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर वो ड्राई हो गया तो उसके जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं,
देन हम उसके ऊपर कवर एंड स्लिप रखेंगे और जो हमारा थिन टीयर्स है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे. ओके okay? इसको बोलेंगे हम स्लाइड प्रिपरेशन और माउंटिंग ऑफ द स्लाइड. ओके उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे और जो सेल्स हमें दिखाई देने वाले थे, जैसे हमने टीयर्स जो बोर्ड पर ड्रॉ किया है उसमें जैसे सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं उस वही सेल्स हम माइक्रोस्कोप के नीचे उस टीयर्स में ट्रांसवर्स सेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे. ओके देन ऑब्जर्वेशन के बाद में हम क्या करेंगे, तो जो टीयर्स हमने लिया था उस टीयर्स को हम ट्रांसवर्स सेक्शन को हम फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डीप करेंगे. इसका प्रपोर्शन क्या लेंगे हम, तो वन ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लुसिनॉल एंड वन ड्रॉप ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या फिर 1 ml ऑफ फ्लोरोग्लुसिनॉल एंड 1 ml ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl. सेम प्रपोर्शन हम दोनों का लेंगे और उसका जो मिक्सचर है उसमें हम हमारा जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको 1 मिनट के लिए डीप करेंगे. ओके डीप करने के बाद उस ट्रांसफर सेक्शन को निकालेंगे, उसको वॉश करेंगे वाटर में और देन हम उसको हमारे स्लाइड पर रखेंगे. ओके स्लाइड पर रखने के बाद हम उसके ऊपर भी 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द ग्लिसरीन या फिर वाटर डालेंगे और उसको माउंटिंग करेंगे, मीन्स उसके ऊपर कवरिंग स्लिप रख के हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. ओके ऑब्जर्व करने के बाद उसमें हमने पहले ही देखा था कि जाइलेंस जो होते हैं, जाइलेंस लिग्निफाइड है और फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर हम लेते हैं तो वो कौन से स्टेनिंग के पर्पज़ के लिए आता है, तो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं या फिर लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं उसको स्टेन करता है. ओके तो हमने जो ट्रांसफर सेक्शन लिया था उसको हमने स्टेनिंग किया है फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl से हमें जो जाइलेंस होंगे जो लिग्निफाइड है उसको पिंक कलर मिलेगा. ओके तो जो जाइलेंस प्रेजेंट है मिडरिब में या फिर इनर लेयर ऑफ द लिप ट्रांसफर सेक्शन में, तो उस जाइलेंस को हमें क्या मिलेगा, तो पिंक कलर मिलेगा. अगर वहाँ पे पिंक कलर आता है तो हम बोलेंगे कि जाइलेंस इसमें प्रेजेंट है और लिग्निफाइड जाइलेंस इसमें प्रेजेंट है. ओके तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डीप करते हैं सेम प्रपोर्शन में दोनों केमिकल्स लेके, तो उसमें हमें पिंक कलर मिलेगा जो होगा जाइलेंस प्रेजेंट या फिर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट, लिग्निफाइड जाइलेंस प्रेजेंट. ओके अभी हमें क्या करना है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है उसका ऑब्जर्वेशन एंड स्टेनिंग ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है कि जो गिवन ड्रग था अगर हम उसका टेस्ट करते हैं उसके बाद में अगर उसमें जाइलेंस प्रेजेंट आते हैं उसके एक्स्ट्रा फीचर हम अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो ड्रग है वो क्या है, दतुरा लीफ है. ओके नाउ हमें उसके नीचे दिए गए जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं. ओके 10 के 10 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. हम वो क्वेश्चंस के आंसर मैनुअल में आपको मिल सकते हैं, मैनुअल में से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते उसको आप गूगल सर्च भी कर सकते हो. ओके थैंक यू.